अगर जो आप लोगों को भी ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, तो आज हम का वीडियो जो है उसी पर बनाने वाले हैं दोस्तों, बताने वाले हैं आप लोगों को कि आपको कैसे वो पैसा मिलेगा जो आपको नहीं मिला है। शायद 50% चांस हैं दोस्तों कि वो भी आपको मिल जाए, लेकिन 100% उसके चांस नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को आप जो है लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको एक न्यू प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि आप अपने जो है ई श्रम कार्ड की ई KYC जरूर कर लें। ई KYC करना नहीं जानते हैं तो मैं वो भी बता दूँ। हाँ, आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पर हूँ, तो यहाँ पर से जो है अपडेट ये देख रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके सामने अपडेट लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक आप जो है न्यू पेज पर चले जाएंगे। देखिए मैं जा रहा हूँ, कुछ स्लो है दोस्तों नेटवर्क हमारे वहाँ का, जिसके कारण स्लो ओपन हो रही साइट। यहाँ पर आपके पास अगर जो UN नंबर है तो आप UN नंबर डालकर लागे तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो है इसका आप जो है eKYC नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कहाँ से करना है। तो यहाँ देखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर जो है दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते थे, लेकिन इस समय जो है इस साइट में चेंज हुआ है, जिसके कारण अब दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो प्रोफाइल अपडेट देखे आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर कर लें, फिर सेंड OTP पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP चली जाएगी जो इसमें इंटर करना है आपके नंबर पर। तो मेरे पास OTP आ चुकी है, मैं इसमें इंटर कर रहा हूँ। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपका जो है अपना आधार नंबर मांगेगा जो इसमें इंटर कर देना है, तो मैं जो है अपना आधार नंबर इंटर किए दे रहा हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट, IRIS एंड OTP। तो हम OTP के माध्यम से करेंगे दोस्तों। अगर जो आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस अवेलेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है OTP से ही करूँगा। फिर यहाँ पर अपना कैप्चा इंटर कर देना है और फिर जो है यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पर OTP जाएगी जो आपके आधार से रजिस्टर्ड है, उस नंबर पर OTP जाएगी, उस नंबर को जो है OTP को आप इसमें इंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ वैलिडेट पर आप क्लिक कर दें। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स जो है शो करने लगेगी। यहाँ पर फ़ोटो आपका नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए जो है नहीं दिखता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है साझा करना गलत होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे जो है डेट ऑफ बर्थ के लास्ट मंथ दिख रहे हैं और यहाँ पर हमारा जेंडर दिख रहा है। यहाँ पर फ़ोटो जो है आधार फ़ोटो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे आधार पर है वही फ़ोटो इस पर लग कर आएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। यहाँ तक आप लोगों को प्रोसेस पता होगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ अलग ही है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे ये आइकन आपको मिल जाएगा, आई डो नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ ईसम, यानी कि इस पर आपको क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। इस पर आप अगर जो क्लिक कर देंगे तो आप ई श्रम कार्ड के वेबसाइट से रिमूव कर दिया जाएगा, वहां से आपका डिटेल हटा दिया जाएगा, आपका कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। हम बिना इस पर क्लिक किए हुए अपडेट eKYC इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, आप भी इसी पर क्लिक करना है आपको विदाउट उस पर क्लिक किए हुए। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो है अपडेट प्रोफाइल, एक है डाउनलोड UN कार्ड। तो आप अगर जो UN कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार के छः ऑप्शंस जो हैं खुल करके आ जाएंगे, जिसमें चेंज क्या करना है दोस्तों वो आपको हम बता दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों यही है जो चेंज किया जाता है इसमें। यहाँ पर आपको चेंज करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर, तो आपको बता दें एड्रेस अपना जो करंट में है वो चेंज करके डाल दीजिए, जहाँ भी आप रह रहे हों वहाँ पर। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ना पिन कोड आपका मिसमैच होना चाहिए। कुछ लोगों में जो है पिन कोड मिसमैच कर देते हैं, जिसके कारण एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाता, तो आपका जो है एड्रेस यहाँ पर कन्फर्म बिल्कुल क्लियर पड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़,
आप यहां पर आएंगे उसके जस्ट नीचे तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल दिखेगा। यहाँ पर आपको जो है बैंक डिटेल इंटर करनी है। कौन सी बैंक डिटेल इंटर करनी है वो हम आपको बताएंगे, तो आप इसको यहीं पर ऐसे पड़े रहने देना, आपको हम बताते हैं डिटेल, इसमें बैंक डिटेल कौन सी डालनी है। हम मैं न्यू टैब पर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और डालते हैं ई आधार। ई आधार डालें और हम ई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है हम इस होम वेबसाइट पर आ गए हैं आधार की। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरा आधार जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर जो आप में इंग्लिश है तो यहाँ पर माई आधार लिख करके आएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखते चले जाएंगे इधर इधर जो है आधार सेवाओं का लाभ उठाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सेवाओं का लाभ उठाएं, इसके नीचे आप चले आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आधार बैंक लिंकिंग स्थिति जाँच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के जो है पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो है आधार नंबर मांग रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। तो मैं जो है अपना इंटर कर रहा हूँ, मैंने आधार नंबर इंटर कर दिया। फिर यहाँ पर जो है ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा दोस्तों रॉन्ग कैप्चा दिखा रहा है, तो मैं कैप्चा फिर से जो है इंटर कर रहा हूँ, फिर जो है बता रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरी ओटीपी जो है जा चुकी है और मैं यहाँ पर जो है अपनी ओटीपी को इंटर कर देना है, जो भी हमारे नंबर पर ओटीपी आई है आधार रजिस्टर्ड नंबर पर। तो देखते हैं मेरी ओटीपी कितने देर में आती है, आ चुकी है, मैं इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपका जो भी अकाउंट आधार नंबर है उसके नीचे एक्टिव लिखा हुआ मिल जाएगा, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव। अगर जो ये मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आपको कौन सा अकाउंट लगाना है, तो यहाँ पर आप देख जाएंगे बैंक, तो आपको ये बैंक का नाम उसमें इंटर कर देना है। बैंक का नाम यहाँ पर जैसे मेरे में इंडियन बैंक दिख रहा है, तो आप इसको जो है, मैं इसको जो है अपने यहाँ पर इस इंडियन बैंक को यहाँ पर एडिट करके हमें डाल देना, जो भी पहले से डिटेल पर ही उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और इस बैंक को हमें इसमें इंटर कर देना है। इस बैंक को इंटर कर देंगे उसके बाद अगर आपका जो है यहाँ पर इनएक्टिव दिखा रहा है तो दोस्तों आपको अपने बैंक में जाकर संपर्क करना है। वहाँ अपने बैंक में आपकी जो भी बैंक हो, ये ज़रूरी नहीं कि इंडियन बैंक हो या कोई मतलब जो है अदर कोई भी हो आपकी, मतलब उस बैंक में आप जाएंगे, वहाँ से आपको वहाँ बोलना है कि हमें जो है अपने जो है बैंक में अकाउंट में आधार मैप करवाना है और जो है इसे आधार लिंक करवाना है इसमें, या आप ये बता सकते हैं। और फिर आप साथ में आपको ये भी बोलना है कि हमारी DBT जो है इस अकाउंट में लिंक होनी चाहिए, DBT एंड NPCI द्वारा आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए दोस्तों। जब आप वहां से NPCI द्वारा रजिस्टर्ड करवा लेंगे, DBT लिंक करवा लेंगे, तो आपका यहां पर दोबारा से आएंगे यहीं पर, वही प्रोसेस करके स्टेटस चेक करेंगे तो आपका यहां पर जो है ये एक्टिव दिखने लगेगा यहाँ पर, इनएक्टिव हट जाएगा, और फिर जो है आपको उसी अकाउंट को इसमें लगा देना है, फिल कर देना है दोस्तों। और उसी अकाउंट को इसमें फिल करके आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देना है, अपडेट ऑप्शन नीचे आएगा वहां से, और आपकी सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। इस प्रोसेस को अगर जो आप करते हैं दोस्तों तो 100% आपका पेमेंट जो भी इसका लाभ आएगा आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमने भी बहुत परेशान था। एक हमारे घर में मतलब दो लोगों के बने थे, लेकिन एक लोग का आ रहा था, एक लोग का नहीं आ रहा था। हमने यही प्रोसेस किया सेम दोस्तों, हमारा जो है अमाउंट आना स्टार्ट हो चुका है, उसमें यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं रही। वहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर आप हमारा एक्टिव भी हो गया है, जिसके कारण हमारा कोई भी गवर्नमेंटेड पैसा हो या कोई भी चीज़ हो,
हाँ बहुत आसानी रहेगी अकाउंट पे आने पर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों जाते हैं, यहाँ पर अगर जो आपका आधार नहीं लिंक होगा और इसमें अकाउंट लगा होगा, वहाँ से ट्रांजिशन किया गया अगर जो फेल हो जाता है तो आपका एक अमाउंट आप पर नहीं आएगा। अगर जो आपका ये कागज़ आपके दुरुस्त हैं, आपका यहाँ पर एक्टिव है, तो आपका वहाँ से पेमेंट किया जाएगा किसी भी साइट से। मैं केवल ई श्रम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य कोई भी सरकारी या गवर्नमेंटेड लाभ हो, कोई भी पैसा हो अगर जो आता है आप पर, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा अगर जो आपका यहाँ पर एक्टिव है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।